गुड मॉर्निंग क्लास क्लास दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो क्लास अर्लियर वी हैव रेड दैट द मैन इज पासिंग बाय द रेवाइन कंटिन्यूअसली एवरी डे, ठीक है, एंड ऑल द एनिमल्स वर अकस्टम्ड बाय हिज प्रेजेंस। सभी पहचान गए थे, जितने भी जानवर थे वो ये बात जान गए थे कि जो राइटर है जो वहाँ से निकल के जा रहा है फॉरेस्ट से डेली डेली, वो उन्हें परेशान करने नहीं आया है। तो द यंग वंस स्कफर्ड एंड रेसल लाइक बॉयज वाइल देयर पेरेंट्स ग्रूम्ड ईच अदर अदर्स कोट स्ट्रेचिंग देमसेल्फ आउट ऑन द सनलिट हिल साइड। ठीक है, जितने भी आप जब वो निकला करते हैं राइटर वहाँ से, तो जितने भी छोटे छोटे से जानवर होते हैं ना, जानवरों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कफर्ड और रेसल्ड करते हैं लड़कों की तरह। स्कफर्ड और रेसल्ड से मतलब है कि खेलते कूदते उछलते कूदते रहते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे जैसे लड़के करते हैं। वाइल देयर पेरेंट्स ग्रूम ईच अदर्स कोट्स स्ट्रेचिंग देमसेल्फ आउट ऑन द सनलिट हिल साइड। और जो उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसे ग्रूम करते हैं। ग्रूम करना मतलब एक दूसरे से ऐसा लगता है जैसे चैटरिंग कर रहे हैं ना। स्ट्रेचिंग देमसेल्फ आउट ऑफ द सन स्ट्रेचिंग देमसेल्फ आउट ऑन द सनलिट हिल साइड। तो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं जानवरों के, स्कफल करते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, उछल कूद करते हैं। और जो पेरेंट्स हैं वो ग्रूम्ड करते हैं। ग्रूम्ड मतलब समझ रहे हो कि ऐसा लगता है जैसे वो लोग एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं कि चलो चलो हम बाहर चलते हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। बट वन इवनिंग एस आई पास्ड आई हर्ड देम चैटरिंग इन द ट्रीज एंड आई न्यू आई वॉज नॉट द कॉज ऑफ देयर एक्साइटमेंट। लेकिन एक बार जब मैं वहाँ से पास हुआ, वहाँ से निकला, तो आई हर्ड देम चैटरिंग इन द ट्रीज। मैंने उनको ऐसा लगा जैसे वो बात कर रहे हैं, है ना, पेड़ के पीछे। एंड आई न्यू और मैं जानता था दैट आई वॉज नॉट द कॉज ऑफ देयर एक्साइटमेंट। और मैं जानता था कि जो ये बातचीत कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, एक दूसरे से बोल रहे हैं, वो उसका टॉपिक मैं नहीं हूँ, यानी ये लोग मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्रॉस द स्ट्रीम एंड बिगिन क्लाइंबिंग द हिल द ग्रंटिंग एंड चैटरिंग इंक्रीज्ड। अब जैसे जैसे मैंने उस नदी को पार किया, ठीक है, और पहाड़ पे चढ़ने लगा, अब जो ग्रंटिंग है, ठीक है, और जो चैटरिंग यानी जो बातचीत चल रही है, शोर वगैरह है, वो और बढ़ने लगा। एज दो द लंगूर्स वर ट्राइंग टू वार्न मी ऑफ सम हिडन डेंजर। ऐसा लग रहा था जैसे लंगूर मुझे वार्न कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं ना, चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ खतरा है। इस शावर ऑफ पेबल्स केम रेटलिंग डाउन द स्टीप हिल साइड एंड आई लुक्ड अप टू सी अ सिन्यू ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड पॉइज्ड ऑन अ रॉक अबाउट 20 feet अबव मी। अब एकदम से क्या हुआ, एक शावर सी होने लगी, शावर मतलब एक बारिश सी होने लगी कंकड़ों और पत्थरों की। मतलब जब ऊपर से ऐसा नहीं होता कि कोई निकल रहा हो और वो कंकड़ या पत्थर वगैरह से टकरा रहा हो, तो वो सारी चीज़ें नीचे गिरने लगती हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह, कोई बड़ा जानवर अगर निकल रहा हो, तो वैसा ही कुछ हो रहा था, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था जैसे शावर सी हो रही है, बारिश ही हो रही है कंकड़ों की, है ना। स्टीप रेटलिंग डाउन द स्टीप हिल साइड, यानी पहाड़ों से नीचे वो सारी चीज़ें आ रही हैं। आई लुक्ड अप टू सी अ सिन्यू ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड। और मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड था ऊपर, पॉइज्ड ऑन अ रॉक अबाउट 20 feet अबव मी, करीबन मुझसे 20 feet ऊपर एक पत्थर के पास बैठा था। इट वॉज नॉट लुकिंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बट हैड इट्स हेड थ्रस्ट अनअटेंटिवली फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रेवाइन। वो मेरी तरफ तो नहीं देख रहा था, लेकिन जो उसका हेड था, जो सर था, वो किस दिशा में था, घाटी की तरफ ही देख रहा था, उस रेवाइन की तरफ ही था जिस तरफ मैं था। येट इट वॉज इट मस्ट हैव सेंस्ड माई प्रेजेंस, हो सकता है उसने पहचान लिया हो कि मैं वहाँ पर हूँ, बिकॉज इट स्लोली टर्न इट्स हेड एंड लुक डाउन एट मी, क्योंकि उसने धीरे से अपना सर घुमाया और नीचे देखने लगा मेरी तरफ। इट सीम्ड अ लिटिल पजल्ड एट माई प्रेजेंस देयर एंड वेन टू गिव माई सेल्फ करेज आई क्लैप्ड माई हैंड शार्पली द लेपर्ड स्प्रैंग अवे इनटू द थिकेट्स। अब क्योंकि भाई मुझे तो डर लगने लगा, ठीक है, पहले तो ऐसा लगा कि वो कंफ्यूज है, ऐसा लगा जैसे वो पजल्ड है मेरी प्रेजेंस को देख करके कि मैं वहाँ पर हूँ। एंड अब मैं क्या करने लगा, कोशिश करने लगा अपने आप को हिम्मत देने की, तो मैं तालियाँ बजाने लगा, क्लैप करने लगा हैंड्स को। द लेपर्ड स्प्रैंग अवे इनटू द थिकेट्स
ठीक है, मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड एज इट मेल्टेड इनटू द शैडो।